किस तरह सेना बर्बर है, किस तरह सेना के लोग बलात्कार करते हैं, किस तरह पुलिस की वहाँ पे बर्बरता है, किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है। अफसपा जैसे कानून है जिसमें सेना को खुली गुंडागर्दी करने की छूट मिली हुई है, जाएगा और वहाँ बोलेगा कि इस देश में मोदी शाही नहीं चलेगी। हम यहाँ बोलते हैं ना हिटलर शाही नहीं चलेगी, तो अगले 10 साल 15 साल बाद दूसरे देश बोलेंगे मोदी शाही नहीं चलेगी। यहाँ प्रतिद्वंदी है वो इतने नीच गिरे हुए कमीने लोग हैं कि वो हर बात का एक अलग मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, हर बात को अपने स्तर से मार्केट में ले आएंगे। अरविंद शाहीन बाग गया तो वो बोलेंगे अरविंद नहीं शाहीन बाग खड़ा कर रखा है, अरविंद केजरीवाल नहीं गया तो ये कमीने लोग ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ही गोली चलवाया है। तो नमस्कार, मैं देव, आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी, हमारे साथ शादिक हैं। शादिक, क्या लग रहा है, आर्टिकल 370 को हुए खत्म हुए 200 दिन पूरे हो गए, इस जो पूरा जो सिनेरियो रहा इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? पता नहीं, बहुत दुखद है ये चीजें। एक देश का एक हिस्सा है कश्मीर जिसको 200 दिनों से एक बंद कमरे की तरह ताले लगा के रख दिया गया है, जैसे वो देश का कोई अवशिष्ट पदार्थ हो जिसका कोई जरूरत ना हो। देश को एक ऐसे किनारे में बंद करके रख दिया गया, वहाँ के लीडर्स को गिरफ्तार करके रखा गया, 6 महीने से कुछ पता नहीं है, कई सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा गया, कुछ पता नहीं चल रहा। तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही भयानक भी है ये। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के मरने का सीधा सीधा प्रमाण है। हम लोग अक्सर बोलते थे कि डेमोक्रेसी की हत्या का प्रयास है, मगर अब हम लोगों ने बात बदल दिया, अब हम लोग साफ बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का हत्या हो चुका है। जो लोग जेल में बंद है उसकी डिटेल्स, इसके कितने लोग हैं, वो लोग कहाँ कहाँ से, वो लोग स्टूडेंट कितने हैं, लीडर्स कितने हैं, सिविलियंस कितने हैं, क्या उसका कुछ आंकड़ा आपके पास? बिल्कुल कोई आंकड़ा ही तो कहाँ है, मुझे नहीं लगता किसी के ही पास, हमारे पास तो नहीं मौजूद है। पुलिस की बर्बरता है वहाँ पे, सेना की बर्बरता है। मेरा कश्मीरी दोस्त है कॉलेज में, लास्ट टाइम वो मुझे मिला था जब मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला और पूछा दोस्त क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक है? मतलब इतना, अगर जब आप उनसे प्यार से पूछेगा तो उनकी भावना अपने आप बह जाती है। उसने रो के वो सारी बातें बताई, किस तरह सेना बर्बर है, किस तरह सेना के लोग बलात्कार करते हैं, किस तरह पुलिस की वहाँ पे बर्बरता है, किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है। अफसपा जैसे कानून है जिसमें सेना को खुली गुंडागर्दी करने की छूट मिली हुई है। You are talking Indian army, right? हाँ, मुझे उसने बताया कि सेना के लोग भी वहाँ पे बलात्कार करते हैं, लोगों को घर से निकालते हैं, महिलाओं के साथ उनकी बर्बरता होती है, लोगों पे बेतहाशा गोलियां चलाई जाती है, पैलेट गन का किस तरह यूज होता है आए दिन खबरों में देखते हैं। तो ये तो खैर जांच का विषय है। ऐसे कश्मीर को, इस तरह अपने शरीर का एक अंग है अगर कश्मीर, जिस तरह मेरा हाथ है इसमें, यहाँ पे कोई बीमारी है तो मैं हाथ को काट के तो नहीं फेंक सकता ना, उसका इलाज करूंगा। तो कश्मीर देश का हिस्सा है, आप कश्मीर को इस तरह अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, 200 दिनों से कोई खबर नहीं है, ये तो शर्मनाक है। और क्या बोला जाए, तरीपार से उम्मीद क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बिल्कुल चर्सी गपोरी आदमी है, उम्मीद क्या किया जाए इन लोगों से? नहीं, विकल्प क्या है? कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान का एक स्तंभ है, तो क्या उम्मीद क्या की जा सकती है, कैसे उनके साथ सुविधाएं दें, ये सरकार को सोचना पड़ेगा और सोचने योग्य बातें हैं, क्या करें इसके, कर क्या सकते हैं? देखिए, दिक्कत क्या है, 370 से कभी दिक्कत नहीं था, कभी पूरे मुल्क में दिक्कत नहीं था, इन्हें बस जगह लागू है 370। हाँ, ऐसे कानून बहुत सारे राज्यों में लागू है, ऐसा नहीं कि बस हिमाचल में कहां पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत अफसपा जैसे कानूनों से। आप सेना को खुली गुंडागर्दी करने का छूट दीजिएगा तो दिक्कत होगी, लोग विरोध करेंगे, लोग के पत्थरबाजी गलत है, मैं पूरी तौर से मानता हूँ, और पत्थरबाजी कौन लोग कराते वहाँ पे ये भी पता है सबको, मगर जब आप सेना को गुंडागर्दी करने की छूट दीजिएगा तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, पत्थरबाजी होगी निश्चित रूप से, वहाँ पे आतंकवाद बढ़ेगा, और बढ़ावा देने में सरकार का पूरा योगदान है इसमें। कश्मीर दूर की बात है, जामिया में जो लोग वीडियो 2-3 दिन पहले वायरल हुई थी, जामिया में पत्थर, तो क्या जामिया को बैन कर दिया जाए, क्या इंटरनेट बैन कर दिया? सवाल है, आप बताइए। वही सवाल है ना कि जामिया में मान लीजिए कुछ उचक्के, मुझे तो नहीं लगता वो स्टूडेंट पत्थर उड़ा रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं, चलिए मान लीजिए फेंक रहे हैं, तो क्या आप जामिया बैन कर दीजिएगा? मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, डीयू में एक दिन पत्थरबाजी होगी, आप डीयू बैन कर दीजिएगा? जामिया क्या पूरा दिल्ली बैन कर दे, पूरा दिल्ली बैन? हाँ सही बात है, सिलमपुर से ऐसे वीडियो आए थे, ओखला में भी कई सारे थे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना आप उन जगहों को बैन कर दीजिएगा, आप ओखला को देश से अलग कर दीजिएगा, आप सिलमपुर को देश से, शाहीनबाग को नक्शे से हटा दीजिएगा, गुजरात में जिस तरह की चीजें होती हैं आप गुजरात को देश से अलग कर दीजिए, फिर पीएमओ है वहाँ पे, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो क्या करें, देश से अलग कर देना चाहिए क्या? तो बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज का सोल्यूशन देश से अलग कर देना नहीं है, उन चीजों को सोल्यूशन है कि आप बैठिए ना, संवाद कीजिए। आपने किस कश्मीरी से संवाद किया? जो महबूबा मुफ्ती आज आपको आतंकवादी दिखती है, जिससे आपको सुरक्षा को खतरा लग रहा है देश में, आप उसके साथ सरकार चलाते हैं, आप गल्ला जोड़ी आप कर रहे हैं, गलभैया आप कर रहे हैं, आप लोगों पर फिर आरोप लगाते हैं कि यहाँ से आतंकवाद बढ़ रहा है, आपने सरकार क्यों चलाया जब महबूबा मुफ्ती आतंकवादी थी? अगर महबूबा मुफ्ती आतंकवादी है तो फिर उनके साथ सरकार चलाने वाला तारीपार भी आतंकवादी है, सरकार चलाने वाला नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी है,
तो साफ बात है ना, आप झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं। इल्तिजा लगातार जो है महबूबा मुफ्ती की जो लड़की है, इल्तिजा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार मीडिया में बनी हुई है, वो सवाल उठा रही है हमें आज़ादी चाहिए। किस बात की आज़ादी है? मुझे लग रहा है कि जो आर्टिकल 370 पे एक बड़ा हमला है जो खत्म करने की कोशिश है, लघु उद्योग जो खत्म किया जा रहा है, इंटरनेट बैन किया जा रहा है, इससे आज़ादी की बात चल रही है और भी कुछ? देखिए बात क्या है, आज़ादी का तो सीधा अर्थ अभी अगर कश्मीर के मायनों में समझे तो जो सेना थोपा गया है, सैनिक बल थोपा गया है और जो सरकारी दुशासन चक्र चलाया जा रहा है, इससे आजादी चाहिए। कश्मीर को आजादी चाहिए, सेना के गुंडागर्दी से आजादी चाहिए, सरकार के गुंडागर्दी से आजादी चाहिए। कश्मीर आजादी मांगता है, बलात्कारियों से आजादी मांग रहा है, तो कश्मीर की आजादी मांगना गलत हो रहा है। हालांकि मैं महबूबा मुफ्ती से कहीं पर सहमत नहीं हूँ, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी, मुझे महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं है। हमने तब भी उनके खिलाफ पुतला दहन किया था जब आसिफा का बलात्कार हुआ था, तो महबूबा मुफ्ती से हम कहीं पर सहमत नहीं है। मगर अभी जो स्थिति देश में पैदा कर दी गई है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है और निश्चित रूप से अभी आजादी की मांग बिल्कुल सही है। बीजेपी के मंत्री लगातार कश्मीर जाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं और कहते हैं कि सब चंगा सी, सब बढ़िया है, मोदी जी भी कह रहे हैं बाहर जाके चंगा सी। तो इस जो ये जो टॉपिक है इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई? ये बिल्कुल उग्र उचक्के लोग हैं, बेहुदे लोग हैं, क्या ही बोला जाए इनके बारे में। आप कश्मीर में अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब चंगा सी है, तो आप सबको आने जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इंटरनेट बैन क्यों करते हैं? आप कश्मीर पे ताला क्यों लगा के रखे हुए हैं? सब चंगा सी तो आने जाने दो भाई साहब, हम भी जाके देखेंगे कितना चंगा सी। नेट ऑन कर दीजिए, सब पता चल जाएगा, सब चंगा सी, वहाँ के वीडियो आ जाएंगे सेना की बर्बरता के। तो आप क्यों नहीं ये सब कुछ ऑन कर रहे हैं? सब आप एक जैसे, सब कुछ पहले जैसा था आप वैसा कर दीजिए, नेट चलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, लोग घूमेंगे, आना जाना होगा, सब पोल खुल जाएगा, कितना चंगा सी। कश्मीर की एक आवाम थी, लड़की थी, अभी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि वो 15 अगस्त के बाद जो है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, एजुकेशन ठप हो चुका है। देखिए ये तो खैर होना ही था, क्योंकि जिनकी सरकार है उनके पास भी डिग्री नहीं है, तो ये तो उनका बदला का भावना है कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो दूसरे बच्चे कैसे डिग्री ले लेंगे। कश्मीर ही नहीं, ये हर जगह आना जाना बंद कर देंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और लोग रोजगार पे नहीं जाएंगे। ये निहायत कमीने लोग हैं, ये एक है ना कि ऐसे कई सारे उदाहरण हम दूसरे देश से लेके आते हैं कि फलाना ढेम का ये है वो है, तो अब सारा उदाहरण हिटलर भी अब कुछ नहीं होगा भाई साहब, अब दूसरा देश उदाहरण लेके जाएगा और वहां बोलेगा कि इस देश में मोदी शाही नहीं चलेगी। हम यहाँ बोलते ना हिटलर शाही नहीं चलेगी, तो अगले 10 साल 15 साल बाद दूसरे देश बोलेंगे मोदी शाही नहीं चलेगी यहाँ पे। एक बड़ा विषय है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस मुल्क में वैकल्पिक राजनीति के तौर पर आप किसको देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को स्टैंड नहीं ले पा रही, कांग्रेस कहीं सस्टेन नहीं कर पा रही, एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। सवाल है कि वैकल्पिक राजनीति, तो वैकल्पिक राजनीति वही लोग दे सकते हैं जो शिक्षा पे बात करेंगे, जो स्वास्थ्य पे बात करेंगे। कन्हैया कुमार दे सकते हैं? नहीं, कन्हैया तो खैर बहुत नए हैं, मगर जो उनकी जो पार्टी है उसका भी बहुत संभावना नहीं है। सच बात यह है अस्तित्व तो खैर इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए, मगर सच बात यह है कि उनकी पार्टी का संभावना नहीं है। मगर ऐसी स्थिति में जो एक विपक्ष का मजबूत चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है, और मुझे लगता है कि ये लोग विकल्प की राजनीति दे सकते हैं और दिया भी है, दिल्ली में दिया भी है, इसका प्रमाण भी है। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, परसों वो मोदी शाह जी से मिलने गए कि मिल बांट के काम करेंगे, इसको भी तो देखिए। आप एक तरफ तो मोदी अमित शाह को लगातार टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मिलकर काम करेंगे। देश का दुर्भाग्य भी यही है कि हम जिस तड़ीपार का विरोध कर रहे हैं हमें कभी कभी उसे ही माननीय गृह मंत्री बोलना पड़ता है। इसमें अरविंद की भी क्या ही गलती, अगर कोई तड़ीपार गृह मंत्री बैठा पड़ा है तो उसे तो आपको संवाद करके दिल्ली का विकास तो करना होगा। शाहीन बाग के लोगों से मिले नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे? नहीं, शाहीन बाग तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार को जाना चाहिए। केजरीवाल को जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल और भी तमाम लोग, आप गए हैं कि नहीं शाहीन बाग? मैं तो गया हूं, केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार जाए, मुझे क्या लेना देना। नहीं, अरविंद से अगर आप ये उम्मीद करते कि एक सरकार के तौर पे वो जाएं, सरकार के तौर पे नहीं, पूरे देश का है, एक इंडियन सिटीजन के हैसियत। हां बिल्कुल जाना चाहिए। अरविंद ने तो सॉलिडरिटी भी दिया है शाहीन बाग को, अब जाना चाहिए। अब तो चुनाव जैसे भी सारे मसले खत्म हो गए, उम्मीद है जाएंगे। चुनाव के डर से नहीं जा रहे थे क्या? नहीं, चुनाव के डर से नहीं चुनाव मसला नहीं है, मगर सामने जो प्रतिद्वंदी है वो इतने नीच गिरे हुए कमीने लोग हैं कि वो हर बात का एक अलग मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, हर बात को अपने स्तर से मार्केट में ले आएंगे। अरविंद शाहीन बाग गया तो वो बोलेंगे अरविंद नहीं शाहीन बाग खड़ा कर रखा है, अरविंद केजरीवाल नहीं गया तो ये कमीने लोग ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं गोली चलवाया है। तो सारी चीजें मेरे हिसाब से अभी के वक्त में आदर्शवादी बातें बहुत सारी हो सकती है, मगर जरूरी है कि भाजपा को हर छोटे बड़े चुनाव में हराइएगा तभी उनका मनोबल टूटेगा। कहीं ना कहीं दिल्ली हारने से इनका मनोबल टूटा है। बिहार पश्चिम बंगाल सामने, अब वो भी हारेंगे इंशाल्लाह। इतने
कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप, क्या लगे? क्योंकि दिल्ली के चुनाव ने एक जो साफ संदेश लोगों के बीच दिया है, वो संदेश ये है कि जो बिजली पानी की बात करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, वो सरकार में रहेगा। जो गोली मारो सालों को बोलेगा, जो देश की धार्मिक चीजों पर राजनीति करेगा, जो धार्मिक प्रोपेगेंडा लेके आएगा, उसका मिश्रा बग्गा बनना तय है। मिश्रा बग्गा इट मींस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो, हाँ, एक है ना कपिल मिश्रा, बेहोशी मिश्रा, और एक है तजेंद्र पाल बग्गा, टी शर्ट एवं झुमका मंत्री। क्या फिर से बोलिएगा? वो है ना टी शर्ट झुमका मंत्री तजेंद्र बग्गा। चलिए, ये बिहार से है, समस्तीपुर से है, तमाम राजनीति प्रक्रिया को देखकर बड़ी राय दी है। मुझे लगता है जो कश्मीर की समस्या है उस पर सरकार को कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, राइट? हाँ, सरकार को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने 370 हटाया, सही हटाया, गलत हटाया, ये एक अलग विचार का मसला है। मगर जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप कश्मीरियों से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? कश्मीर में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या? आपने तो वहाँ की सरकार भंग कर दी, तो अब बात कौन करेगा? देश का गृह मंत्री करेगा, देश का प्रधानमंत्री करेगा, मगर प्रधानमंत्री को तो मशरूम खाना है, प्रधानमंत्री को ट्रंप को गुजरात घुमाना है, जो ट्रंप जहाँ जिस अमेरिका ने इन्हें बैन कर रखा था, और उस अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ लाके नचवा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं शायद 2-3 दिन से। हाँ, दीवाल खड़ा कर रहे हैं, बताइए, दीवाल तो आप इतना बड़ा खड़ा कर ही दिए गरीब अमीर के बीच में, अब बेचारे लोग झुग्गी के सामने भी दीवाल खड़ा कर रहे हैं। मकसद क्या था दीवाल खड़ा करने का? मकसद नहीं, इनका तो जब से ये सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सारे संगठन तो दीवाल खड़ा करने का ही काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच, गरीब अमीर के बीच, और ब्राह्मण राजपूत के बीच, बनिया यादव के बीच, ये बस दीवार ही खड़ा करने का काम करते हैं। वही काम उन्होंने अहमदाबाद में, हाँ, इनकी राजनीति ऐसी है, गाय सुअर पे मर जाएंगे, मंदिर मस्जिद पे मर जाएंगे, इनसे और कुछ होना नहीं है, बस दीवाली खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।